हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और यहाँ पे मैं आटे का हलवा किस तरह से आप बना सकते हैं उसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो यहाँ पे आधा कटोरी मैंने आटा ले लिया है और चीनी आप अपने हिसाब से, आपको ज़्यादा मीठा चाहिए कम चाहिए आप ले सकते हो। और यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है, घी डाल दिया, घी पिघल गया है। अब गैस को कर देंगे स्लो और फिर मैं आटा डाल दूँगी। और आटा को आपको घी उतना ही, 5 चम्मच घी लिया है उतना घी लेना है जिसमें अच्छे से आटा गीला हो जाए। गीला मतलब ज़्यादा भी घी ले सकते हो आप, घी लेने में कंजूसी मत करिएगा कि फिर आटा अच्छे से भूनने का नहीं, अच्छे से कुक नहीं होएगा तो फिर स्टिकी स्टिकी सा रहेगा। तो अच्छे से आपको घी लेना है ना, उतना ले लेना जिसमें आटा अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा गीला हो जाए। और उसको 15 मिनट तक हम स्लो गैस पर भूनेंगे। 15 मिनट स्लो गैस पर भूनना है आपको, फास्ट गैस पर नहीं, क्योंकि आटा जल जाएगा। और अच्छे से आपको इसे 15 मिनट भूनना है जब तक इसमें से खुशबू हल्की सी जो आती है ना अच्छे से ना आए। और देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छे से आटा आपको लग रहा हो काफ़ी कम बना है, लेकिन नहीं, उसमें पानी डालेंगे तो अच्छे से ये हो जाएगा। और ये देख सकते हो आप चाहे तो इलायची भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे 4 चम्मच चीनी ली है और यहाँ पे लिया है आधा कटोरी मैंने आटा लिया था, तो यहाँ पे फुल कटोरी पानी डालेंगे। इसको अच्छे से 15 मिनट तक भूनेंगे। और भूनने के बाद 15-20 मिनट के बाद चीनी 10 मिनट के बाद डाल दिया है, जब लगा था कि हाँ, और फिर चीनी मेल्ट हो जाएगी उसके बाद पानी ऐड कर देंगे हम लोग। यहाँ पे मिक्स करते जाना है, इसको छोड़िएगा मत, स्लो गैस है फिर भी जल सकता है आपका आटा। अच्छे से उसे भूनेंगे अच्छे से तो वो सॉफ्ट बनेगा, अच्छे से बनेगा। तो इसको देख सकते हो ये हो गया है अच्छे से, ये गोल्डन कलर का लग रहा होगा आपको, ये अच्छा हल्का सा ब्राउन कलर का बना था ये, पर कैमरे में थोड़ा सा। और यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे, धीरे धीरे पानी ऐड करना, एक साथ पानी ऐड मत कीजिएगा। और अगर आपका आटे का हलवा हो जाए अच्छे से हो गया तो कैसे मन पड़ेगा आपको। तो जब आपका कढ़ाई या जिसमें भी आपने आटे का हलवा बनाया वो कढ़ाई, आपका जो आटे का हलवा है कढ़ाई छोड़ देगा, जैसे कि वीडियो में भी आप देख सकते हो, अच्छे से कढ़ाई छोड़ दे, अच्छे से मतलब बन गया है ये। तो आपको वीडियो में देख सकते हैं कितना अच्छे से ये डो जैसा लग रहा है। तो ये हमारा आटे का हलवा रेडी है। का ड्राई फ्रूट्स डालना हो तो आपके ऊपर है, पर मैंने सिंपल बनाया, घी और आटा और चीनी से बनाया सिंपल सा, देख सकते हो 2 जन के लिए बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया। इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स और गैस को बंद कर देना है। और 5 मिनट के लिए इसका जो कढ़ाई का कवर है वो लगा के रखना है। 5 मिनट तक इसको ढक देना है, हमें गैस को कर देना है बंद। 5 मिनट ढकने के बाद आप खा सकते हो, काफ़ी टेस्टी आटे का हलवा आपका 20-25 मिनट में हो जाएगा बनके तैयार। और देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ये, देख सकते हो। पूरा कढ़ाई इसने छोड़ दिया है और इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए, गैस को कर दिया बंद। फिर बाद में आप सर्व कीजिएगा, काफ़ी टेस्टी लगेगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये आटे का हलवा कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको मैं प्लेट में निकाल देती हूँ और देख सकते हो ड्राई फ्रूट ऊपर से आप डाल सकते हो, पर मैंने सिंपल रखा है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।